तो दोस्तों आज का जो पहला अपडेट है वो बहुत स्पेशल है। इस पर आपको मिलने वाले 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग बैटरी वाला लैपटॉप। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये जो लैपटॉप स्नैपडील ने अनाउंस किया है ये आने वाला है आपका पूरा 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के साथ। यहाँ पे आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर और बाकी कुछ इनबिल्ट फीचर, जैसे कि आपको 256 GB का SSD मिल रहा है और ये बहुत ही थिन होगा, लाइट होगा। सो दोस्तों, यहाँ में आपको स्पेशल क्या मिल रहा है कि आपको एक 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिल रहा है, जो कि आप अगर ऑफिशियल्स हो या फिर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चाहिए। यहाँ का प्राइस जो होगा वो तो हाई होगा, लेकिन आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और दिन भर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो होगा आपका यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी इनबिल्ट LTE नेटवर्क, इसका मतलब आप इसमें बिना सिम कार्ड या बिना वाईफाई के यहाँ में डायरेक्ट डाटा पैक आप भरा सकते हैं। सो दोस्तों, यह में सिर्फ दो कंपनी इसको बनाने वाला है इस साल या अगले साल तक। तो ये होगा, पहला तो होगा HP की तरफ से और दूसरा होगा ASUS की तरफ से। ASUS का एक मॉडल है जो कि है Novago, जो कि नया मॉडल है ASUS की तरफ से, और HP का भी जो पुराना मॉडल है स्पेक्टर, उसका ही ये वर्जन 2 है जो कि नाम दिया गया HP NVX2। सो दोस्तों, यहाँ का नेक्स्ट अपडेट जो है वो बहुत ही खास है। आप जो इसको डेली यूज़ करते हैं वो है Instagram की तरफ से। Instagram में आप इस बार हैशटैग्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं और उनका जो फॉलोअर्स है उसको देख सकते हैं, यहाँ में भी आप हैशटैग्स को जो फॉलो करते हैं अपने दोस्तों उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर्स है इंस्टाग्राम की तरफ से। और आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्राइवेसी सेटिंग्स चाहिए होगा तो आप इसमें प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके भी आप इसको कि आपका जो दोस्त है वो फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, वो भी देख के अपने प्राइवेसी में रख सकते हैं। सो दोस्तों, LG फाइनली लॉन्च करने वाला है अपना फ्लैगशिप डिवाइस जो कि है LG V30। LG V30 जो है वो आने वाले दो वर्जन्स में, जो कि है LG V30 और LG V30 Plus। यहाँ में आपको मिल रहा है 64 GB का इंटरनल स्टोरेज और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज। आप सबको पता है कि अभी जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का डिवाइस है वो जो स्टोरेज है उनको अपग्रेड करता ही रहा है, जैसे कि सैमसंग या एप्पल दोनों ने 32, 64 और 128 GB किया। LG भी इस बार इसी तरह से 64 और 128 GB आपको देने वाला है स्टोरेज में। सो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको ये फटाफट बता देता हूँ कि LG V30 जो है वो किस स्पेक्स में इक्विप है। यहाँ में आपको मिल रहा है 13 प्लस 60 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। ये आ रहा है आपका 4 GB का रैम। ये आप यहाँ पे आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं अपना जो इंटरनल स्टोरेज है उसको, एक्सटर्नल SD कार्ड लगा के 256 GB तक इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो आपका स्क्रीन साइज है ये आने वाला है आपका 6 इंच में। सो दोस्तों, अगला अपडेट जो है ये गूगल की तरफ से है। गूगल फाइनली देने वाला है हर वो एंड्रॉयड डिवाइसेस को नया अपना गूगल असिस्टेंट। गूगल जो वर्जन से एंड्रॉयड 6 के ऊपर जो एंड्रॉयड वर्जन था वहाँ पे गूगल असिस्टेंट काम करता था, लेकिन जो 6 के वर्जन नीचे था वहाँ पे गूगल असिस्टेंट ज़्यादा काम नहीं करता था और वहाँ पे दिया भी नहीं गया था। तो अब इस पर आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि हर जो टेबलेट या स्मार्टफोन दिया गया है वहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का अपडेट जरूर मिलने वाला है इन 2-3 हफ्ते के बीच में। सभी के लिए अभी अच्छी न्यूज़ है, जो लोग ग्रामर टाइपिंग पे मिस्टेक करते थे उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि नया ऐप आया है प्ले स्टोर में जिसका नाम है ग्रामरली कीबोर्ड। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और अब यहाँ पे बहुत ही खास स्पेशल फीचर्स भी आपको यहाँ में मिल रहा है, जैसे कि ऑटो सजेशंस, प्रिडिक्शंस और ग्रामर करेक्शंस। सो दोस्तों, आज का लास्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट अपडेट है ये है एप्पल की तरफ से। आज एप्पल फाइनली लॉन्च कर दिया है वर्ल्ड वाइड उनका सबसे पावरफुल और डेंजरस डिवाइस, जिस जो कि है iMac Pro। ये एक डेस्कटॉप डिवाइस है जहाँ पे आपको एक 27 इंच का 5K डिस्प्ले वाला स्क्रीन मिल रहा है, जहाँ पे आपको बहुत ही खास स्पेशल फीचर्स मिल रहा है, जैसे कि आपको 128 GB का रैम मिल रहा है, 4 TB का SSD मिल रहा है, रेडोन का प्रो ग्राफिक्स कार्ड और इंटेल का सबसे पावरफुल प्रोसेसर जो कि है इंटेल जेनॉन प्रोसेसर। सो दोस्तों, ये जो एप्पल का iMac Pro आज लॉन्च हुआ है ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि है प्रोफेशनल्स। सपोज आप वीडियो एडिटर है तो आपको चाहिए बहुत सारा रैम और बहुत सारा प्रोसेसिंग स्पीड, इसलिए यहाँ पे दिया गया इंटेल का जेनॉन प्रोसेसर और 4 TB का SSD स्टोरेज। आपको सुन के अजीब लग रहा हो कि 4 TB का SSD स्टोरेज जो है वो क्यों चाहिए ना, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो एडिटर होने से आपको जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि Adobe After Effects या Adobe Premiere, अगर आप इसको 4K या फिर 8K में एडिट करते हैं तो आपका जो कैच मेमोरी है वो पूरा फुल हो जाता है, आप इसको रेंडरिंग ही नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे स्पीड करने के लिए रैम बहुत ही बढ़ा दिया है और SSD से पूरा जो इनफ्लो आता है वो भी बढ़ा दिया। तो दोस्तों, फाइनली ये था हमारा लास्ट अपडेट। तो आज के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ नेचर मीडिया।